राजस्थान का सतलोक आश्रम सोचत, जिसके चर्चे पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं, और बाड़मेर से भी जब आश्रम के बारे में इनको पता लगा तो आश्रम को देखने के लिए यहाँ पर आए। अब इनसे हम इस आश्रम के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, आखिर इन्होंने यहाँ पर क्या देखा, क्या फर्का और क्या पाया है। क्या नाम है सर आपका? यजमान सिंह सोडा। इस आश्रम के बारे में आपको कैसे लगा पता? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कल मैं 7 बजे यहाँ आया हूँ, उसके बाद मेरे को ऐसे लग रहा है मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। अच्छा, स्वर्ग के दर्शन हो गया? आप स्वर्ग के दर्शन? मैं, मेरा टूरिस्ट का काम है, ड्राइवर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, कहाँ पे ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। अच्छा, आपकी गाड़ी होगी? गाड़ी है मेरे पास, मैं आया मैं देखने के लिए, ड्राइवर है मेरे साथ में, मैं उनके साथ भगत है, उन्होंने बात बताई थी, उसके हिसाब से मैं साथ में आया हूँ। अच्छा, आपकी गाड़ी आई होगी बुकिंग पे? तो बुकिंग में गाड़ी आई है, ड्राइवर भी साथ में है, मैं भी उसके साथ में देखने के लिए आया। क्या देखा आपने यहाँ पे? मैंने अब जो देखा है वो कभी देखा नहीं। देखो, किसी के घर पे छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है तो वो संचालन करने वाले कितने लोग होते हैं, आय बोय करते हैं, या कोई आय बोय करने वाले नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक चलता है। मैंने तो मुझे अचरबा लगा, क्या है, स्वर्ग है, कोई भेदभाव या कोई चीज है भी नहीं, बिल्कुल एकदम स्वर्ग की तरह चल रहा, सारा ही सतगुरु के नाम से ही चलता है। अच्छा, स्वर्ग है ये स्वर्ग एक तरह से स्वर्ग। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आपकी गाड़ियां तो शादियों में जाती रहती हैं, तो वहां पर फिजूल खर्ची पर भी देखा जाए तो काफी फिजूल खर्ची होती है, जिसमें डीजे बजाना, बैंड बाजा, सुनने में आया है शादियां यहां भी हुई है, तो क्या आपको ऐसा यहां पर भी दिखा कुछ शोर शराबा, आतिशबाजी? जी नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत, एकदम सर की तरह। जहां हमारे वहां बहुत बड़े भंडारे भी होते हैं, मैं जाता हूं, यहां पेटियां लगी रहती है, दान करो वो करो, यहां तो बिल्कुल एकदम शांत, यहां कुछ भी नहीं, कोई देने लेने की कोई बात ही नहीं है, प्रभु दे रहा है ना ये चल रहा है, बस यही बात है, बाकी कोई है ही नहीं, देने लेने की कोई बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं, सब एक समान है, एक समान है, सारे भक्त एक समान। एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि समाज में दहेज अपने कदमों को बढ़ा रहा है और अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं, जो कि समाज में एक उदाहरण पेश किए जा रहे हैं कि ताकि समाज की जो बुराइयां है वो खत्म हो सके, अपने देश की बेटियां सुखी हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में आज से 100 साल पहले बच्ची होती थी, बच्ची रखते नहीं थे, पता नहीं क्या होता था, उनकी जो हालतें मैंने देखी, मेरे 7 बच्चियां हैं, ठीक है, एक का शादी हो गई है, बाकी करना बाकी है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, देना लेना है तो खुद की बच्ची को देना है, ये मांगना या असर मचाना ये बिल्कुल गलत है, और ये संत के आदेश पे चले तो बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर दहेज रूपी जो दानव है वो खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ये बड़ी चीज़ है, ये भगत लाइन में आ जाए सारे, तो एक तो सबसे बड़ी तो ये प्रभु का नाम समरे, और बाकी वाला ये जो दौड़ भाग है ये सारी खत्म हो जाए, ठीक है, करना है नहीं, ठीक है, धन्यवाद सर।